नवनिर्वाचित सरपंचों ने अपने वादों पर काम करना शुरू कर दिया है। बात झुंझुनू के चंवरा सरपंच धर्मराज सैनी की कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने गांव के मुख्य नाले की साफ सफाई शुरू करवा दी है। पिछले 5 दिनों में इस नाले की सफाई की जा रही है। इस नाले की सफाई न होने के कारण न केवल पानी सड़कों पर आ रहा था, बल्कि नाले के पास पड़ोस के इलाकों में भी गंदगी, बदबू और बीमारियों से अपना कब्जा कर लिया था। सरपंच ने कहा कि उन्होंने गांव के लोगों से वादा किया था कि 60 सालों में जो काम नहीं हुए वह 5 साल में होंगे। साथ ही अब चुनाव के वक्त किए गए वादों को पूरा करने के लिए पूरी योजना बनाकर चरणबद्ध तरीके से काम करवाया जाएगा। चुनाव से पहले जनता से वादा किया था कि जो 60 साल में जो विकास नहीं हुआ मैं 5 साल में करके दिखाऊंगा, और मुझे सरपंच बने हुए मात्र भी एक बना हुआ है। मेरी पंचायत में एक ये मुख्य नाला है जो चौरा बस स्टैंड से गुजरता हुआ ब्राह्मण शमशान भूमि वहाँ जाके रुकता है। इस नाले को बने हुए काफ़ी दिन हो गए, पूर्व सरपंच ने इसको एक बार भी साफ नहीं करवाया। इसमें बहुत ज़्यादा कीचड़ था, मच्छर था, बदबू आती थी, लोग यहाँ रहते थे, उनका रहना भी दुर्भाग्य था। मैं जनता से वादा किया था कि सर्वप्रथम मैं इस पानी को, इस कीचड़ को सुखा के रहूँगा। आज मैं 5 दिन से लगा हुआ हूँ, मेरे साथ JCP वगैरह, ट्रैक्टर, मजदूर वगैरह सब लगे हैं, और मैं उसके साथ भी खुद भी ला के मैं कार्य कर रहा हूँ। मुझे 5 दिन हो गए आगे, देख रहे हो आप, देख लो मेरे हाथ कीचड़ में हो रहे हैं, मेरे जूते कीचड़ में हो रहे हैं। मैं इन मजदूरों के साथ खुद स्वयं ला के कार्य कर रहा हूँ। पूरे गाँव की तो मैंने सफाई की है, और इसमें यहाँ कीचड़ था और पानी बहुत ज़्यादा था। अब देख लो कम मात्रा में पानी है, ये 2-5 दिन में ये भी सूख जाएगा। और मुझे एक वहाँ नाला बनाना पड़ा है, वो भी आज ही बनवाया मैंने। एक नाले का काम अभी चल रहा है आपके सामने, 10-5 दिन में आपको यहाँ कीचड़ देखने को नहीं मिलेगा। और मेरी सर्वप्रथम प्राथमिकता ये ही कि मैं जनता से जो वादा किया था उस पर खरा उतरूंगा और उतर रहा हूँ। मैं इस चौरा ग्राम पंचायत को एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाना चाहता हूँ।